वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम हाजिर हैं मानव जनन से संबंधित लेसन पे चर्चा करने के लिए, आपसे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हमारा मकसद है नीट एग्जाम पहली बार में पास करना, हमारा मकसद है बोर्ड एग्जाम में 99% मार्क्स लाना। अब देखिए, जीव विज्ञान कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, कक्षा 12 के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अध्याय 3 से मैंने ये सब्जेक्ट लिया है, ये टॉपिक लिया है और आपको मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि ये सारी चीजें क्या होती। अब मानव जनन के बारे में हम बात करें तो मानव जनन, मानव शब्द जो है एक बार कहने से ये दो चीजों का बोध कराता है, यानी वो दो चीजों का मैसेज देता है, दो बात एक साथ कहता है। अगर आप एक बार मानव कहते हैं तो मानव का मतलब होता है मेल एंड फीमेल, या नर और मादा, ठीक है, नर और मादा, ठीक है। तो आप मानव शब्द, अब जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, कैसे हम जनन, जनन का मतलब होता है वृद्धि, कैसे वृद्धि करते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मानव जनन में दो सेक्शन आपको मिलेगा, एक सेक्शन जो होता है मेल का सेक्शन होता है और दूसरा सेक्शन जो होता है वह फीमेल का होता है, यानी मादा का होता है। अब मानव जनन को जरा समझने का प्रयास करेंगे तो मानव क्या है, सबसे पहले मानव क्या है तो जवाब होगा मानव एक जरायुज प्राणी है। क्या है? जरायुज प्राणी। अब ये कौन सा विचित्र शब्द आ गया भाई, तो मानव एक जरायुज प्राणी है, इसका मतलब ये हुआ कि नर और मादा को दोनों को सामूहिक रूप से हम कहते हैं क्या, जरायुज, जहां पे अंडा का निर्माण हो, ठीक है, जहां अंडज हो तो उसके हम कहते हैं जरायुज का, जरायुज प्राणी कहते हैं या जरायुज एनिमल बोलेंगे। अर्थात नर व मादा के आपस में मिलने के फलस्वरूप वृद्धि होती है। अब ये वृद्धि शब्द जो होता है वो सिस्टम को बताता है, एक प्रोसेस को बताता है, ठीक है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, मानव जनन कहते हैं। अब बड़ा इसमें है, आप कहोगे कैसे, अगर राइट करना है एग्जाम में मानव जनन आ गया तो क्या समझाओगे, तो सीधा लिखो आप कि मानव एक जरायुज प्राणी है, अर्थात नर व मादा के आपस में मिलने के फलस्वरूप जो वृद्धि होती है उसे मानव जनन कहते हैं। दिस इज द एब्सोल्युटली स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर हम देखें, जैसे अगर एग्जांपल देना हो, अगर ये पूछ दे कि मानव जनन को उदाहरण सहित समझाइए तो क्या करोगे, तो उदाहरण बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स है ना, वो पता नहीं क्या उलझनूर समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत से कॉपियों को मैंने चेक किया, बहुत से लोगों पर एग्जाम का पेपर मैंने देखा, तो पता नहीं वो क्या अपने दिमाग से क्या समझाना चाहते हैं, ये महिला ये पुरुष, ये क्या क्या आपस में मिलना, ये रात का दिन का, ये पता नहीं क्या क्या दिखाते। तो डियर स्टूडेंट देखो, कोई भी बात कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करना है आपको, आप सीधा उसके अर्थ को जानो और समझो। मैं ये नहीं कहता कि हाँ आपको जो बताया गया उसी के अकॉर्डिंग आपने बात किया, लेकिन अगर मानव जनन को एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना है तो आपको ये बोलना है कि संतान की उत्पत्ति मानव जनन का ही परिणाम है, ठीक है, इतना तो लिख ही सकते हो। इस प्रक्रिया में नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु का बनना और इनके द्वारा नए संतति का निर्माण मानव जनन कहलाता है या मानव जनन का परिणाम है, ये लिख सकते हो। इसमें आपको इतिहास भूगोल बताने की जरूरत नहीं है कि दिन में कि रात में कि कब कि दोपहर, ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये सब बात मत कहना, ठीक है। तो कई बच्चे तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, ठीक है, पर आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। अब देखो, यह मानव जनन का अर्थ क्या होता है, अब अगर मानव जनन को दोनों को कंबाइन रूप से हम ले लें तो इसका मतलब होता है दो विपरीत लिंग। अब दो विपरीत लिंग का मतलब क्या हुआ, मेल एंड फीमेल हो गया, ठीक है। अब मेल एंड फीमेल क्या करेंगे, तो ये वृद्धि करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे। किसका डेवलपमेंट करेंगे, तो संतान उत्पन्न का, यानी जैसे अब देखो मैं आपको एक व्यवहारिक भाषा में समझाता हूं। विवाह होता है, विवाह के बाद जो है दो लोग, लड़का और लड़की दोनों का विवाह होता है, मेल एंड फीमेल का विवाह होता है। कुछ दिनों बाद आपको एक खुशखबरी मिलती है जिसे होता है कि हाँ भाई क्या बेटा हुआ या बेटी हुआ। तो बेटा का होना या बेटी का होना वो क्या है, मानव जनन का परिणाम है, मानव जनन का स्वरूप है। और जो यहाँ पे लड़के और लड़की इस शादी की हम बात कर रहे हैं, ये विपरीत लिंग है, ये मेल एंड फीमेल है। तो आप समझ गए होंगे कि जो संतति उत्पत्ति की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है,
उसी को हम सामूहिक रूप से मानव जनन कहते हैं। और थोड़ा सा उसे हम कह देते हैं इसमें अंडाणु और शुक्राणु भाग लेते हैं। भाई कोई लड़ाई हो रही है, कोई युद्ध हो रहा है, तो भाई उसमें योद्धा तो शामिल होंगे, कुछ तलवार वाले होंगे, कुछ घोड़े वाले होंगे, कुछ हाथी वाले होंगे। उसी तरह से मानव जनन में भी जो लड़ाई होती है, एक तरह की संतति यानी वृद्धि के लिए भी एक लड़ाई होती है, उसे हम शुक्राणु और मादा के अंडाणु के रूप में जानते हैं। ये दोनों जो है शुक्राणु और अंडाणु, ये दोनों ही वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलो आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, पुरुष जनन तंत्र के बारे में थोड़ा सा एक नजर देखते हैं। अब पुरुष जनन तंत्र क्या होता है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे एक इमेज है, इसमें देख लो, इसमें मूत्राशय है, गुदाशय है, प्रोस्टेट है, मूत्र नलिका है, वृषण है, पुरुष जनन तंत्र है, लिंग है और वीर्यकोश है। ठीक है, ये हिंदी में सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। अब पुरुष जनन तंत्र को आपको व्याख्या करना है, आपको समझाना है, आपको एग्जाम में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तो भाई देखो, इतिहास भूगोल मत लिखना, बार बार मैं कहता हूं। पुरुष जनन तंत्र में आपको क्या लिखना है, मानव नर प्रजनन प्रणाली में निम्नलिखित अंग होते हैं। ठीक है, नर प्रजनन प्रणाली में निम्नलिखित अंग होते हैं, कौन कौन होते हैं बेटा? पहला होता है वृषण। क्या होता है? वृषण। स्क्रीन में देखो वृषण कहां है। दूसरा होता है अंडकोश। तीसरा होता है आधिवृषण। और क्या होता है? शुक्रवाहिनी। और क्या होता है? शुक्राणुपुटिका। और क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि और लिंग। ये इतने ही जो है ये पुरुष जनन तंत्र में होते हैं। अब काउंट कर लेना कितना होते हैं। अब वृषण क्या होता है? वृषण जो होता है वो अंडे के आकार वाला अंग है, जो पुरुष के उदर गुहा के बाहर होता है। पुरुष में दो वृषण होते हैं, पुरुष में दो वृषण होते हैं। वृषण पुरुष या पुरुषों का प्राथमिक जनन अंग है। अब इसका अपना अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल है, जो आगे के लेसन में, आगे के क्लासों में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि पुरुष जनन तंत्र में वृषण, अंडकोश, अधिवृषण, शुक्राणुवाहिनी, शुक्राणुपुटिका, प्रोस्टेट ग्रंथि और लिंग शामिल होते हैं। और पुरुष में वृषण की संख्या कितनी होती है? तो दो होती है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे पुरुष जनन अंग के भाग। अगर भाग की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको नामांकित चित्र के द्वारा अगर हम देखें तो इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पुरुष के जनन अंगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला बाहरी भाग जिसे लिंग और अंडकोश, तथा भीतरी भाग जिसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस या टॉक्टिस नलिका, सेमिनल वेसाइकल, इजेक्युलेटरी नलिका या गुदु या मूत्र नलिका। ठीक है, अब देखो इसके बाद से हम थोड़ा सा और इसे हम बताते हैं आपको। पुरुष के जनन अंगों के तीन प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है, कार्य को देखेंगे, लेकिन यहां पे कुछ शब्द मैंने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया, शायद आपको कंफ्यूजन होगा। तो ये देखो, एक पुरुष जनन अंग में जो भाग होते हैं वो हम शुरू करते हैं। इधर जो है स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है, आप देखो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, तो आपको शुक्रवाहिका दिख रही है। वाहिका का मतलब क्या होता है? नली, जो शुक्राणु के लिए शुक्राणु का संबंध होता है। उसके बाद से फिर उसके नीचे देखो ये दिखाई दे रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या होता है? इट इज द टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एक तरह की ग्रंथ होती है। उसके नीचे आप देखोगे मूत्र मार्ग है, जहां से यूरिन पास किया जाता है। ठीक है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो, यहां से यूरिन पास होता है। उसके बगल में आप देखोगे तो क्या होता है? अधिवृषण। अधिवृषण दो भागों में होता है, आधा इधर, आधा लेफ्ट का होता है, आधा राइट का होता है, अधिवृषण कहते हैं। और आगे वाला जो हिस्सा होता है उसे शिश्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिश्न कहा जाता है। आप देखो राइट साइड में चलोगे तो राइट साइड में तुम्हें दिखाएगा मूत्रवाहिनी, इधर क्या था? शुक्रवाहिनी, और दूसरे साइड में क्या है? मूत्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जो होता है शुक्राणु को ले जाने का कार्य करता है, और मूत्रवाहिनी जो होता है वह यूरिन यानी पिशाब को ले जाने का काम करता है। ठीक है, पिशाब कह लो, पिशाब कह लो, यूरिन कह लो, उसको ले जाने का कार्य करता है। ठीक, अगला चले वीर्यपुटिका। वीर्यपुटिका क्या होती है? वो वीर्य को ले जाने का या फिर उसमें सहयोग करती है। ठीक है, जनन में सहयोग करती है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलोगे तो आपको मिलेगा अस्तंभन उत्तक। उत्तक क्या मतलब? टीसू, अस्तंभन। ठीक है, ये क्या करता है? ये टाइम गेन करता है यानी समयावधि को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, जनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो समयावधि होती है, जो समय लगता है उस समयावधि के जो होता है, यानी जनन की प्रक्रिया, जनन शुरुआत हुआ, ठीक है, शुरुआत होने के बाद से और फिर समाप्त होने के बीच में जो समय लगता है उसे उसका जो काम होता है वो होता है अस्तंभन उत्तक। तो अस्तंभन उत्तक जो है इसी टाइम पीरियड को क्या करता है? गेन करता है।
अब थोड़ा सा नीचे चलोगे और तो उसमें देखो राइट साइड में लिखा है अंडकोश की थैली, जो अंडकोश होता है, अब नीचे होता है वृषण। तो ये सभी चीजें, ये जो शब्द मैं आपको बोल रहा हूं ये हिंदी में, ये पुरुष जनन के भाग है। अब प्रश्न ये उठता है कि पुरुष जनन अंगों के तीन प्रमुख कार्य कौन से होते हैं भाई, इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है। अगर हम बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के का मुख्य वर्क क्या है, तो भाई तीन काम है। पहला काम क्या होता है, अंडकोशों के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक है, यानी ये शुक्राणु का निर्माण करने में भी सहायक होता है। और क्या करता है, लिंग द्वारा शुक्राणुओं को योनि में डालना, यानी शुक्राणु को कहां प्लेस कर रहा है, योनि में कर रहा है, ठीक है। और तीसरा काम क्या करता है, शरीर में पुरुष उत्तेजक द्रव बनाना, ठीक है। पुरुष उत्तेजक द्रव बनाने का तात्पर्य क्या होता है, यानी प्रजनन के लिए उसको तैयार करना, ठीक है। चलो आई होप कि